वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ताजे हरे मटर का निमोना। यहाँ पे मैंने मटर लिया है, उसको मैंने धुल के लिया है और हमने यहाँ पे दो बड़े आलू को काट लिया है छोटे टुकड़ों में। यहाँ पे हमने लिया है धनिया और मैंने लिया है अदरक, मिर्च और लहसुन। और हमने लिया है आधा चम्मच से भी कम हींग और यहाँ पे दो चम्मच नमक। मैंने यहाँ पे गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है और जीरा लिया है एक चम्मच। सबसे पहले हम मटर का पेस्ट बनाएंगे मिक्सर से। हमने यहाँ पे मटर का पेस्ट बना लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्सर में डालेंगे और इसमें हरी धनिया भी डालेंगे। और लीजिए, हमारे धनिया का पेस्ट तैयार है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे दो चम्मच या तीन चम्मच ऑयल लिया है और हम अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरे के बाद हम इसमें हींग डालेंगे। अब हम इसमें पिसे हुए धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। हम इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। दो तीन मिनट बाद हम इसको चला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। अब हम इसमें मटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इस पेस्ट को कुछ देर तक भुनेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। अब हम इसमें कटे हुए आलू मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इसको मैंने ढक दिया है। 5 से 6 मिनट बाद देखिए इसमें बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गई है। अब यह खाने के लिए रेडी है। हम इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।